नहीं समझ सकता भाई, कोई नहीं समझ सकता। इस बीजेपी की विचारधारा को कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो शोले की बसंती के साथ भी खड़ी नजर आती है और गब्बर सिंह के साथ भी। इनको दामिनी का वोट भी चाहिए और चड्ढा का भी, इसे अनिल कपूर का भी सपोर्ट करना है और अमरीश पुरी का भी। मतलब ये भाजपाई गोडसे की भी पूजा करेंगे और गांधी की भी। अरे हाँ, वही नोट वाले बापू महात्मा गांधी, उनको याद करते हुए बीजेपी ने दांडी मार्च यात्रा दिवस मनाया, क्योंकि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी, जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। गांधी के इस मार्च ने ब्रिटिश साम्राज्य की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, संबित पात्रा ने कहा है, यकीन नहीं हो रहा, पढ़ो ध्यान से संबित पात्रा का ट्वीट, ये देखिए स्मृति ईरानी का ट्वीट, ये देखिए शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, ये भी देखिए, ये भी देखिए भाजपाई का ट्वीट। गांधी के लिए भाजपाइयों का अपार प्रेम देखकर खबर आई है कि गोडसे ने नरक में खुद को गोली मार ली। बात सिर्फ गांधी और गोडसे की नहीं है, अलग अलग इश्यूज पर अक्सर बीजेपी का स्टैंड इतना कंफ्यूज या देने वाला होता है, इतना कंफ्यूज या देने वाला होता है कि कभी कभी कट्टर से कट्टर भक्त का भी मन करता है कि जहर की पूरी बोतल पीकर गले में रस्सी डालकर 100 माले की बिल्डिंग से चलती गाड़ी के सामने कूद जाए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एक तरफ भाजपाई कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो सबसे बढ़िया नेता थे क्योंकि उन्होंने सेना बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहीं दूसरी तरफ यही भाजपाई कहते मिलेंगे कि सावरकर सच्चे देशभक्त थे, वही सावरकर जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना को मजबूत करने का काम किया, जो सावरकर आजादी के आंदोलन के टाइम देश के लोगों से अपील कर रहे थे कि कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस का नहीं अंग्रेजों का साथ दो। एक तरफ भाजपाई मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को गालियां देते मिलेंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाने वाली सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हिंदू महासभा को महान बताते मिलेंगे। पता है जब कांग्रेस और पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन की जंग में कूद चुका था, तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ मिलकर सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और बंगाल में सरकार बना रहे थे। 1941 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन से बंगाल में बनी सरकार के प्रधानमंत्री थे फजलुल हक और वित्त मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये वही फजलुल हक था जिसने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पेश किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दे, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाए अंधभक्तों के पूर्वज, उनकी सरकार में मंत्री बनने वालों का आज तक भी सम्मान करे, समर्थन करे अंधभक्त, टू नेशन थ्योरी का सिद्धांत दे अंधभक्तों के पूर्वज, और फिर आरोप लगाए जाए कि देश का बंटवारा तो गांधी और नेहरू ने करवाया था। एक तरफ भाजपा कहते मिलेंगे कि कांग्रेस तो अंग्रेजों की कठपुतली थी, इसलिए अंग्रेजों ने जाते वक्त कांग्रेस को सत्ता सौंप दी, वो नेहरू की नहीं बल्कि अंग्रेजों की सरकार थी। लेकिन वही भाजपाई उसी नेहरू की सरकार में मंत्री बनने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूजा करते हैं, उसी सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार पटेल को महान नेता बताते हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि 1947 में जो आजादी मिली थी वो तो नकली थी, और दूसरी तरफ यही लोग उसी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। एक तरफ ये लोग राजपथ का नाम बदलकर कहते हैं कि हम गुलामी की निशानी को मिटा रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की महारानी के निधन पर आजाद भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा करते हैं। बता, ब्रिटेन की महारानी की इनकी बुआ लग गए। एक तरफ ये लोग अपने ही देश के मुसलमानों से सारे संबंध तोड़ने की बात करते हैं, उनके बायकॉट की मुहिम चलाते हैं, मुसलमान दुकानदार, कारीगर, रेहड़ी, फूड डिलीवरी वाले, मजदूर और गरीबों का बहिष्कार करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्लिम कारोबारी यूसुफ अली का लुल्लू मॉल खुलवा देते हैं। मनोहर लाल खट्टर दुबई में जाकर यूसुफ अली से गुहार लगाते हैं कि आइए हमारे यहाँ अपना लुल्लू खोल लीजिए। एक तरफ ये लोग मुसलमानों को देश से निकालकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक के मुसलमानों को भारत में मिलाकर इसे अखंड भारत बनाने की बात करते हैं।
देश की सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, एक तरफ ये लोग सैनिकों के नाम पर वोट मांगते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं सैनिकों की पक्की नौकरी को 4 साल की ठेकेदारी में बदल देते हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं, चीन तो आया ही नहीं, दूसरी तरफ यही लोग कहते हैं कि देखा मोदी की ताकत, डर के मारे चीन हमारी सीमा से पीछे हट गया। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि विदेश में मोदी के नाम का डंका बज रहा है, सारी दुनिया मोदी के इशारों पर नाच रही है, और जब उसी विदेश की एजेंसियां बताते हैं कि भारत में भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, लोकतंत्र का, प्रेस फ्रीडम का, हैप्पीनेस का जो इंडेक्स है वो गिरता जा रहा है, तो यही लोग कहते हैं कि विदेश में तो मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है। एक तरफ ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ यही लोग महिलाओं की किस्मत लूटने वालों को फूल मालाएं पहनाते हैं। एक तरफ ये लोग गाय को माता बोलते हैं, यूपी और हरियाणा और कई राज्यों में गो हत्या और बीफ के ऊपर बैन लगाते हैं, दूसरी तरफ केरल, गोवा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में कहते हैं कि हमें वोट दो, हम तुम्हें बढ़िया और सस्ता बीफ देंगे। यानी कुछ राज्यों में गायें मम्मी है और कुछ राज्यों में गायें यम्मी है ना, कमाल का दोगलापन।